बिजनौर की लगती है, बिजनौर की ससुराल है, यहाँ का मैं का है, बहन आई है तो खाली हाथ बहन को नहीं जाने देंगे। भोजपुर के अंदर जो जनसैलाव था, आज वो जनसैलाव इतना गंभीर था, इतना मजबूत था कि वो सब बोले थे, समाज की नहीं थे, कोई नहीं। देखो 400 बार कुछ नहीं होने वाला, साउथ में जाकर देखिए आप। नॉर्थ ईस्ट तो ये उन्होंने कब्जा कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट में के एक धर्म का राजनीति करते हैं ये लोग ताने वाने को। तो इस सीट पे तो भाई नहीं किसी से भी, ये तो सर बिल्कुल बेदाग सीट है, तो इसमें मतलब कोई भाई नहीं दे रही है। असल में इस सरकार को एक तरीके का घमंड हो चुका है और ये घमंड में चूर है। इस सरकार का काम है संविधान को बदलना, आरक्षण खत्म करना और आम जनता को बेवकूफ बनाना। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अशरफ अली, आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आज हम पहुंचे हैं लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद के भोजपुर, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसमें कि 5 विधानसभा है, 3 सीटों पे समाजवादी पार्टियां कब्जा है, जिसमें 2 पे बीजेपी। तो आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भोजपुर में आगमन हुआ है, जन काफी संख्या में जनसराब उमड़ा था उन्हें सुनने के लिए। तो क्या अखिलेश यादव की बात से कितना जो है जनता है सहमत हुई है और क्या क्या उन्होंने विचार रखे थे, तो कुछ हमारे साथ एक भाई मौजूद है। नहीं, बहुत अच्छा रखा उन्होंने, हर मुद्दे पे बात की है उन्होंने, पीडीए पे भी बात की है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, और उन्होंने 10 साल के जो काम सरकार के नाकामी हुई है उस पर भी रोशनी डाली है। किस तरह की नाकामी हुई 10 साल में? ये 10 साल में देखिए, उन्होंने आपका आपका जो है 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं दे पाए। 15 लाख रुपए खाते में डालने को कहा, नहीं दे पाए। कितने मुद्दे ऐसे हैं और उसमें वो झूठा साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपकी हमें सरकार और इस बार बन गई, तीसरी बार तो हम जो 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं नहीं, वो बार बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने संसद में कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अच्छा काम कर रहे थे, जनता ने तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया और इन्होंने जेल भेज दिया। जो पार्टी में भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या वाशिंग पाउडर, कौन सा वाशिंग पाउडर है? लोकसभा क्षेत्र का चुनाव चल रहा है और 19 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है, तो इस चुनाव को लेकर खास तौर पर बात करें मुरादाबाद की। क्या एक सीट बढ़ापुर बिजनौर की लगती है, बिजनौर की ससुराल है, यहाँ का मैं का है, बहन आई है तो खाली हाथ बहन को नहीं जाने देंगे। साइड मानते हैं आप? कितनी किस तरह की साइड मानते हैं? अरे वो आईडी नहीं है, कोई 2 से 2.5 लाख वोट जीते, कोई आईडी नहीं है। इतना चुनाव 3 सप्ताह चुनाव मैदान में है, समझे नहीं? सबकी किससे फाइट मांगते हो? किससे फाइट? फाइट केवल और केवल जो भी है भाजपा से है, और वो भी बहुत कम, बहुत कम। अब तो सुप्रा शाह तो भाजपा का भी हाथ है, खत्म। कम से कम 2 लाख वोट तो कम से कम है, ऊपर जाएंगी 2 लाख वोट तो ऊपर जाएंगी। जो आज अखिलेश यादव भी आए थे भोजपुर में और 19 अप्रैल को यह चुनाव होना है, तो क्या कहना चाहोगे? सर रुचि धीरे के साथ है, सर एक टोटल टोटल वोट मिलेगा। रुचि धीरे से कभी मुलाकात हुई आपकी? अरे हमारे जितना बस हुई है वो मुलाकात की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई की जरूरत नहीं है, अपनी मुलाकात हुई है। हाँ मुलाकात तो कर ही रहे हैं, आप उनके साथ घूम रहे हैं। आपके माध्यम से बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आज जनसैलाव था भोजपुर के अंदर, जो जनसैलाव था आज, वो जनसेवा इतना गंभीर था, इतना मजबूत था कि वो सब वोटर थे, कोई समाज की नहीं थे, कोई नहीं, टोटल वोटर। कितना जनसेवा था वोटरों का था, ये मैं चारों के साथ कहता हूँ, टोटल वोटर। जैसे बताया जाता है कि रुचि मेरा बाहर की है, बिजनौर की है, उसमें क्या करना? नहीं बाहर की नहीं है, बाहर की नहीं है, बाहर की नहीं है, हम तो पूरे हिंदुस्तान को अपना मानते हैं। यूपी का कोई भी होगा वो हमारा, वो तो बिजनौर तो हमारा घर है, कोई दूर कोई है, यूपी के अंदर कोई भी जो भी यूपी से बाहर का होगा वो बाहर का हमारा कहता नहीं, इंडिया का कोई भी हमारा है, पूरी इंडिया का हमारा है, समझ गए? और ये तो हमारे करीब में है, बिजनौर कोई दूर भाई, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, ये सारे चीज करीब में है हमारे। कहाँ से आए हम? ये कहीं है भोजपुर कहीं। रीजन क्या है कि जो डाउनफॉल हो रही है बीजेपी का और जो इंडिया गठबंधन आगे आ रही है, व्यापारी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, टूट चुका है व्यापार को, इन्होंने तोड़ रखा है क्योंकि जीएसटी में इतना संशोधन ला रहे हैं
कि आदमी सीए भी परेशान है, अकाउंटेंट परेशान है कि क्या चेंजिंग होगी, कि क्या कौन सा अमेंडमेंट ला रहे हैं। हर दिन ये कह रहे हैं कि वो चोरी करा है, वो किसी को नोटिस भेज रहा है कि सम्मन भेज दिया हमने, और जीएसटी का अधिकारी ऐसे खड़े हैं कि रास्ते में पुलिस वाले कॉन्स्टेबल खड़े होते हैं कि कभी किसी गाड़ी कभी किसी गाड़ी, गाड़ी वाला परेशान है, माल वाला जो मध्यम व्यापारी है, जो मंझोला व्यापारी है, जो एमएसएमई का सेक्टर का व्यापारी है, उससे ही तो देश चल रहा है। अगर तुम व्यापार को तोड़ दोगे तो वो देश कहाँ से चलेगा? मेन कड़ी तो व्यापार है। व्यापारी अगर परेशान है तो लगातार जो है 10 साल से बीजेपी का कब्जा है पूरे भारत में। जी वो जीएसटी लाकर इन्होंने तोड़ तो दिया। 18% जीएसटी लगा रहे हैं, 18% का जीएसटी, 28% का स्लैब लोगों से ले रहे हैं। जीएसटी का बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। आप 5% बार भी 400 पार का जो है नारा है बीजेपी का। देखो 400 पार कुछ नहीं होने वाला, साउथ में जाकर देखिए आप। नॉर्थ ईस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट में के एक धर्म का राजनीति करते हैं ये लोग। लोग ताने वाने को तोड़ दिया है, जो सेकुलरिज्म का ताना वाना है, जो हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सीट को लेकर कैसे देखते हैं? देखो मुसलमान वो मुरादाबाद सीट को लेकर सीट सपा की थी पहले भी, और इस बार भी रुचि वीराजन को टिकट दिया है, जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की एकता को अखिलेश यादव जी ने समझा है, तो वो ख्याल रखते हुए पूरा वोट पहले सभा के साथ बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम एक साथ है, बहुजन समाज पार्टी भी एक साथ है, क्योंकि जो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं सभी अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं, क्योंकि वो उनका मेन मकसद इंडिया गठबंधन को जिताना है ना, तो वो संविधान चेंजिंग कर देंगे, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। उनके जगह जगह से आ रहे हैं कि स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम संविधान को अमेंडमेंट करेंगे, ओ इन्होंने संविधान को बदलना चाहते हैं, इनका मेन मकसद यही है। भैया मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर क्या मानते हो? देखो ये जो मुरादाबाद लोकसभा की सीट है, ये सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, सभी जाति और धर्म के वोट मिलकर, जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रुचि वीरा जी को वोट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बातें हैं वो बाहरी प्रत्याशी नहीं है, वो हमारी हैं, लोकल हैं। फाइट कितना मानते हो? फाइट तो अगर मानेंगे तो किसी से नहीं मानना, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ वार्ड नंबर 3 से। समाज पार्टी से एक अकेला मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ा है? नहीं, बहुजन सुनो, मुस्लिम तो एक तरफा वोट है, वो नहीं जानता है कि अपना बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुस्लिम है। नहीं, मुस्लिम का मतलब प्रत्याशी क्या होता है? अपना जो मुस्लिम वोट है वो एक कोर पे है, एक लाइन पे है, वो सब एकजुट होकर साइकिल को बहुमत जो गठबंधन का है, जो अपनी प्रत्याशी रुचि वो सब मिलकर हमारे मुस्लिम समाज के लोग वोट वही कर रहे हैं। आप कहीं की भी रिपोर्ट ले सकते हैं। जो है आगमन हुआ है, और लोकसभा चुनाव का जो है पहला चरण 19 अप्रैल को होना है, इसमें इस चुनाव को कैसे देखते हो? ये बहुत अच्छा चुनाव है, मुसलमानों के लिए तो बेहतर ही चुनाव है, क्योंकि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव जी से ज्यादा और कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, समझे साहब। और ये जो मोदी जी ने नारा बना रखा है कि अब की बार 400 बार, ये गलत फहमी हो गई इन्हें। ये मतलब ये है कि असल बात तो इनका नारा ये था कि अब की बार 400 बार, वैसे लग गया अपने आप ही, 400 बार का नारा दे, 400 बार का नारा वो लोगों की समझ में गलत आ गया। आपकी बार तो ऐसा होना, आपकी बार खाली 400 पार, 400 बार, 4 से ज्यादा सिटी नहीं आएगी। मुरादाबाद में फाइट किससे मानते हो? अरे सर, इसमें तो इस सीट पे तो फाइट है ही नहीं किसी से भी, ये तो सर बिल्कुल बेदाग सीट है, कोई इसमें मतलब कोई भाई नहीं। आप प्रत्याशी है रुचि बिरा, अगर यहाँ सांसद बनती है तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर, हमें जैसा वो मतलब बता रही है, हमें उनसे पूरी हुई है। मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल, हमारी मुलाकात विधायक जी के घेर में भी हुई थी पीपल खाना में, और वो हमसे वायदा करके गई है, और इंशाल्लाह वो अपने वादे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये मैं ये कहना चाहूंगा, मुरादाबाद विधान लोकसभा सीट एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और यहाँ का मुसलमान हिंदू मुसलमान सब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, और यहाँ के जो मुसलमान है हिंदू इतने बेवकूफ नहीं है कि राम मंदिर पे वोट दे देंगे, बेरोजगारी को नहीं देखेंगे, काला धन वापस कब आएगा, 21 किलो RDX पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए वो आज तक पता नहीं लगा पाए उसका, ये सरकार और 400 पार का नारा दे रही है। असल में इस सरकार को एक तरीके का घमंड हो चुका है, और ये घमंड में चूर है। इस सरकार का काम है संविधान को बदलना, आरक्षण खत्म करना, और किसी का विकास नहीं हुआ, साथ हुआ उन लोगों का जिन्होंने बजरंग दल, RSS और हिंदू वाहिनी परिषद, उन लोगों का विकास हुआ, और किसी का जो भी योजना है सरकार की मिल तो सबको रही है, मिल रही है सर। 5 किलो राशन सर 125 रुपए महीना मैं दे दूं, कोई मेरा गुलाम बन जाए, आप कैलकुलेशन करिए, डीलर 4 किलो राशन दे रहे हैं एक यूनिट में, क्या पुलिस आ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, 100 नंबर को कॉल करो अभी 1000 रुपए ले
लेके जाएगी तुम्हारे घर से। अगर तुम पीड़ित हो तब भी नहीं हो तुम भी। अच्छा क्या कहना है, सरकार ने हमें ये कहा था कि आप 7 महीने दिए, सरकार ने 10 साल सरकार चला ली। क्या मोदी जी ने हमसे वादा करा था पिछली बार में कि चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमेगा, बताओ कौन सा गरीब हवाई जहाज में घूमा है? पूरे नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम करा है सरकार ने। मैं बेरोजगार हूँ, मैं सरकार से रोजगार मांगता हूँ। सरकार ने मेरे लिए क्या करा है आज दिन तक? सरकार ये तीसरी बार अगर देश में सरकार बनती है हमारी, तो हम जो लोग कुछ नहीं होगा। संविधान को खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का, हिंदू मुसलमान करने की। क्या पहले हिंदू मुसलमान की पहचान नहीं थी? आज की गाड़ियों पर आप देख लो, भरोसा नहीं सरकार पे, बिल्कुल नहीं है भरोसा, बिल्कुल। 2024 चुनाव क्या देखते हो जो पूरे जो देश में चला? सर बीजेपी का जो मंशा है सर, 2024 का चुनाव हो रहा सर, जो ईमानदारी से काम कर रहा, दिल्ली के जो सबसे अच्छे सीएम है भारत के वो अरविंद केजरीवाल है, उनको जेल में डाल दिया है। इन तानाशाही सरकार है, तानाशाही के चक्कर में लगी हुई है। अगर आपकी बार सरकार आती है तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की पहचान हो चुकी है। हिंदुओं ने अपनी स्टिकर लगा रखे है गाड़ियों पे कि हम हिंदू हैं। क्या पहले से हिंदू नहीं थे वो लोग? पहले से हिंदू नहीं थे? पहले हिंदू मुसलमान की पहचान नहीं थी? हिंदू मुसलमान के बीच में एक ऐसी खाई सरकार ने खड़ी करी है जो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। सरकार की मंशा है, सरकार को बीजेपी सरकार की मंशा है कि देश को दो भागों में बांटना, हिंदू और मुसलमान। अब ये बताइएगा, हिंदू मुसलमान अगर बच जाएंगे तो क्या होगा इस देश का? आज का नौजवान बुजुर्ग परेशान है, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, रेलवे प्लेटफॉर्म इतना महंगा है। आप देखिए रेलवे की हालत, देखिएगा आप रेलवे की हालत में देखिएगा, जो रिजर्वेशन डिब्बे है 1000 आदमी है। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जो है भोजपुर में आगमन हुआ है, आपने उनकी जो है जनता को संबोधित किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी उन्होंने अच्छी तरह से अच्छा बोला है। उन्होंने ये बोला है कि अमेंडमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो चंदा इस सरकार ने भ्रष्टाचार पैदा करके इकट्ठा किया है, उस काली चिट्ठी को खोला है और जनता को बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कहां किया सरकार जी, कहां भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार हर ले लीजिए एक गली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है ना। भ्रष्टाचार नहीं करा है सरकार ने, भ्रष्टाचार ही पैदा करे है। जैसे ले लीजिए राशन डीलर से लेकर के प्रधान कोई भी सिस्टम में ले लीजिए, चाहे पुलिस में ले लीजिए, चाहे आप डीएम एसडीएम ले लीजिए, चाहे तहसीलदार ले लीजिए, चाहे बीडीओ ले लीजिए, सब में भ्रष्टाचार पैदा है। बिना पैसे कर रहा है, क्या कहते हैं जी आयुष्मान कार्ड नहीं बन गया, कुछ बोला के ये भी 5-5, 4-4 हजार, 2-2 हजार रुपए के आप भ्रष्टाचारी पैदा कर दिए, सबको ठेके दे दिए गए, लूटने खसरने का काम सरकार ने पैदा कर दिया। करने वालों सरकार जेल करने भेज रही है, कहाँ भेज रही है सरकार को? और ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट निर्मा सब दूर से लड़ाई ऐसे न कर देती है कि जो भी केजरीवाल से पहले संजय सिंह जेल गए थे, संजय सिंह तो बाहर आ गए। नहीं सर, पार्टी को ने उन्होंने टिकट दिया है, उसके बाद जब उन्होंने लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए उनके खाते में दिए, भाजपा की पार्टी के खाते में, तब जाके उन्होंने पार्टी में, वो फिर उन्हें टिकट भी दिया है भाजपा ने। ये क्या काम है कि दूसरी पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है, खुद की पार्टी में आके फांसी मोटर की तरह जुड़ गया, ये क्या बात होती है इनकी पार्टी में? आज अखिलेश यादव का आगमन हुआ था, उसने जो है जनता को संबोधित किया था, तो क्या था लगता है? हमें तो बहुत बेहतर लगता है जो इस बार या ज्यादा ही ज्यादा 1.5 लाख से ऊपर जीत है सरकार से। 4 किलो आरडीएक्स नहीं पता लगा आज तक, 4 किलो आरडीएक्स कहाँ का है जी? बजट जी ये बताइए, वो 400 से पार कैसे हो जाएगी, उसे कैसे पता लगा? ये बताओ। नहीं वो दावा कर रही है कि 400 से अब की बार 400 से पार, जब 4 किलो आरडीएक्स का पता नहीं लगा तो 400 से। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए जेड टीवी न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।